तो दोस्तों फाइनली जवान का रिलीज डेट का अनाउंसमेंट हो गया और फाइनली हमें पता चल गया कि ये मूवी 2 जून को नहीं बल्कि 7 सितंबर को रिलीज होगी। तो फाइनली सबका इंतजार खत्म हुआ और फाइनली थोड़ा सा ही सही हमें SRK का मास एक्शन देखने को मिला। आई लुक ये लुक और ऐसा टोन मैंने पहली बार देखा है SRK का, और SRK पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस को इस मूवी से डोमिनेट करने वाले हैं। पठान तो बस चिंगारी थी, जवान पूरा ज्वालामुखी है जिसके फटने की गूंज देश के कोने कोने में सुनाई देने वाली है। एक बार आप अनाउंसमेंट वीडियो को देखो, मतलब उसको देख के इतना तो समझ में आ रहा है कि मूवी का जो एक्शन है वो टॉप लेवल का होने वाला है। और डिले करके रेड चिली इसने मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत किया है, थोड़ा गैप होना भी चाहिए था इतनी ज़्यादा सक्सेस के बाद, तो सही भी है। और अब मुझे लगता है कि डंकी भी थोड़ी डिले हो सकती है। डिले करने का मेन रीज़न बताया जा रहा है कि रेड चिली ये नहीं चाहता है कि जवान का जो VFX है वो कहीं से भी थोड़ा सा भी कमज़ोर लगे और लोग उसे देख के ज़रा सा भी डिसअपॉइंट हो, इसलिए वो लोग इसको प्रॉपर अच्छे से जब तक नहीं बना लेंगे तब तक रिलीज़ नहीं करेंगे, जो कि सही भी है। तो आपको ये अनाउंसमेंट वीडियो कैसा लगा, आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए कमेंट में जरूर बताना। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।